जनअदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। इस समय मैं लहार सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के अनुसार भिंड कलेक्टर छोटे सिंह के निर्देश पर आधार पंजीयन केंद्र खुला हुआ है लहार सिविल हॉस्पिटल में, और जिसके संचालक हैं लल्ला सिंह गुर्जर जी। आज हम आधार कार्ड पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, तमाम समस्याओं का निराकरण भी इस समय दर्शकों का होगा, क्योंकि हमें तमाम वो शिकायतें मिल रही थी कि लोग आधार कार्ड में भ्रष्टाचार करने पर तुले हुए हैं। जहां शासन के फीस 50 रुपए है, वो फीस 50 रुपए न होकर के लोग 100 से लेकर 200 रुपए तक वसूल कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति मिले, आज हम लहार सिविल हॉस्पिटल में लल्ला सिंह गुर्जर से बात करेंगे, जो कि यहाँ के संचालक जी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या है पूरा शासन के क्या नियम है और किस प्रकार से आपका आधार कार्ड बनाया जा सके, जिससे आपको भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिल सके। जी, हमारा आपसे सवाल है, अभी पूरे लहार ब्लॉक में केवल आपको मान्यता दी गई है, जहां लोग अपना आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो किस प्रकार के नियम है, किस प्रकार के कैसा रहता है आधार कार्ड के बारे में? आधार पंजीयन एक तो जो है नया आधार बनाया जाता है, और दूसरा जो जिनके पहले से आधार बने हुए हैं उनमें जो है अपडेटिंग का कार्य जो है सेंटर पे किया जाता है। तो नए आधार अगर बनवाना है, चाहे वो बच्चा जो है अभी उसने जन्म लिया हो उसका भी बन सकता है, और चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो गई हो, कभी भी मतलब आधार अपन बनवा सकते हैं। तो आधार बनवाने के लिए आपको जो विधि है वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जैसा कि आधार सेंटर कम संख्या में चालू हैं तो उन पे भीड़ ज़्यादा होती है, तो भीड़ का जो देखा गया है कि भीड़ में जो है परेशानी पड़ती है आम नागरिक को, जो बनवा नहीं पाता है। तो सबसे पहले आम नागरिक को मैं बताना चाहूँगा कि करना क्या है, कि अब गवर्नमेंट ने कि जो आधार कार्ड की जो वेबसाइट है उस पर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बुकिंग करा सकते हैं सबसे पहले। तो वो बुकिंग जो है आप बाहर से ऑनलाइन की दुकानें जो खुली हुई हैं उन पर भी कर सकते हैं, और अपने घर पे भी अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। उससे आपको एक अपॉइंटमेंट नंबर मिलेगा, वो नंबर ले जाके आप आधार सेंटर पर जाएं तो आप भीड़ से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपको ये बता दिया कि भीड़ से कैसे बचा जाए, क्योंकि भीड़ की ज़्यादा समस्या आ रही है, किसी को संशोधन कराना है, किसी को नया बनवाना है, तो भीड़ ज़्यादा हो रही है। तो सबसे पहले अपन अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर बुकिंग करा दें, इसके बाद अपन आधार केंद्र पर जाएं। तो आधार केंद्र पर जब जाएं तो अपना जो है मूल दस्तावेज लेके जाएं, मूल दस्तावेज आपको आधार केंद्र पर बता दिए जाएंगे। अगर आपको इनकी विस्तृत जानकारी लेना है कि कौन से दस्तावेज जो है आधार कार्ड बनाने में लगाए जाते हैं, तो ये आधार कार्ड की जो UID जो वेबसाइट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या दस्तावेजों के आधार पर आधार पंजीयन होता है। तो इसकी ये तो हो गया आपका पंजीयन कराने का। संशोधन कराने के लिए जैसे आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, या अपनी जन्मतिथि चेंज करानी है, या आपको संशोधन कोई भी XYZ संशोधन कराना है, तो वो आधार केंद्र पर हो जाएगा। शासन द्वारा जो निर्धारित शुल्क निर्धारित की गई है वो 50 रुपए की गई है। आप से अगर कोई दलाल या एजेंट बीच में पैसे लेके आपसे बोलता है कि मैं आपका आधार बनवा दूंगा, आप मुझे 200 रुपए दीजिए, तो आप किसी के झांसे में ना आए, सीधे डायरेक्ट जो है सेंटर पे जाके संपर्क करें और उसका फॉर्म भरें, फॉर्म भर के उसका एनरोलमेंट कराएं और यह अपडेट कराएं। तो ये तो प्रक्रिया हो गई आपके सेंटर पे जो है आपको आधार कार्ड कैसे बनाया जी, जी लल्ला सिंह जी, यहाँ पर एक सवाल है, जिस प्रकार से आपने बताया कि शासन के मापदंड के अनुसार 50 रुपए ही फीस आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग बहुत सी जगह देख रहे हैं कि लोग 50 की जगह 200 रुपए वसूल लेते हैं। कारण क्या होता है कि उन्हें जो शासकीय जगह निर्धारित की गई थी वो केवल वहाँ 5 या 10 मिनट के लिए बैठते हैं, उसके बाद वो किसी अपने प्राइवेट स्थान पर बैठ जाते हैं और फीस वसूलने लगते हैं, तो कैसे बचा? इसके लिए शासन ने क्या किया है कि आधार सेंटर पर कैमरा लगाए हुए हैं, जो वेब कैम होते हैं उनको लगाया गया है, CCTV कैमरा बोलते हैं उनको, वो लगा दिए गए हैं। तो आपको कार्यालयीन समय में आधार केंद्र पर सुपरवाइजर और ऑपरेटर को और वेरीफायर को, तीनों लोगों को वहाँ बैठना है,
और अपना जो है कार्य संपादित करना है। और इसमें टाइमिंग क्या रहती है, कितने बजे से कितने बजे लोग अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं? जैसा कि शासन ने निर्धारित किया है कि जो आधार पंजीयन केंद्र हैं वो शासकीय परिसर में ही आप चला सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया है कि वो शासकीय परिसर में ही आधार पंजीयन केंद्र चलाए जाते हैं। और अगर कोई अपनी प्राइवेट जगह पे चलाता है तो आप 1947 जो कस्टमर केयर नंबर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये नंबर लगा के आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा पैसे लेता है तो उसकी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो उस आधार केंद्र पंजीयन पे कार्रवाई होगी और इसमें सजा का भी प्रावधान है। तो मैं ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1947 पर जैसे ही आप मोबाइल पर लगाएंगे, निःशुल्क नंबर है। आप जिस प्रकार से 181 पर कॉल करते हैं अपनी सीएम हेल्पलाइन के लिए, उसी प्रकार से आप 1947 पर जैसे ही कॉल कर देंगे, संबंधित आधार पंजीयन जो संचालन कर रहा है उस पर तत्काल कार्रवाई होगी। और इसके बाद भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो स्थानीय आप अपने विभागीय कार्यालय यहाँ लाहौर SDM के यहाँ शिकायत दर्ज करा सकती है। जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है लल्ला सिंह जी, तो आपने एक प्रावधान और भी रखा है, जैसे देख के बहुत जगह भीड़ रहती है तो उससे भीड़ से कैसे बचा जा सकता है? भीड़ के लिए मैंने अभी बताया था कि ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यानी कि बुकिंग कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट जगह पर आप, हाँ, किसी भी अपने घर से कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। इसकी प्रक्रिया जो है UID की जो वेबसाइट पर डली हुई है, आप डायरेक्ट वहाँ अपॉइंटमेंट लेके अपने सेंटर पर जाएं तो आप उससे भीड़ से बच जाएंगे। यही भीड़ से बचने का एक तरीका है जी। जिस प्रकार से यदि भीड़ नहीं है तो भीड़ में वो रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी? अगर सेंटर पर भीड़ नहीं है तो अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, तो वो डायरेक्ट आगे अपना इनरोलमेंट भी करा सकता है। अगर उसको लगता है कि सेंटर में बहुत भीड़ हो रही है तो वो अपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके आए, बुकिंग करा के आए, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी सेंटर पर। अगला सवाल हमारा ये है, क्या ये जरूरी है इस प्रकार से आप लाहौर सिविल हॉस्पिटल में पूरे लाहौर ब्लॉक के अंतर्गत केवल एक ही आधार पंजीयन केंद्र की सिविल हॉस्पिटल लाहौर में करा सकते हैं आप? ये सुबह 9 बजे खुल जाता है अस्पताल और शाम को 4 से 4:30 बजे तक का ये समय यहाँ पर रहता है। कैसा हो सकता है इस प्रकार से, यदि वो लाहौर का नहीं है किसी भी क्षेत्र का हो तो क्या वो आपके यहाँ अपना आधार कार्ड बनवा सकता है? सर, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का है और वो लाहौर में रह रहा है तो उसके पास महाराष्ट्र के मूल दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, जो आधार कार्ड बनाने में ज़रूरत उनकी पड़ती है, वो होना चाहिए। तो वो यहाँ भी वो अपना आधार कार्ड पंजीयन करा सकता है और आधार कार्ड प्राप्त कर सकता है जी। थोड़ा आपने बारे में बताइए दस्तों के बारे में, सीधा अपना मोबाइल नंबर रखा है? हाँ, मैं यहाँ शासकीय परिसर जो सिविल हॉस्पिटल है लाहौर में, यहाँ आधार पंजीयन केंद्र चलाने की हमें जो मान्यता मिली है, यहाँ हम आधार नए आधार भी बनाएंगे और पुराने आधार भी अपडेट करेंगे। और सुविधा जो लेने के लिए आप जो है सेवा लेने के लिए ज़रूर आप पधारें। और क्या आप भी करना चाहेंगे पूरे भिंड जिले के लोगों से? देखिए, आधार कार्ड जो है एक वेरी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स माना जाने लगा है। आप बैंक में जाइए या पोस्ट ऑफिस जाइए या इनकम टैक्स जाइए तो वहाँ कहना होता है कर्मचारियों का कि आपकी जो डिटेल है वो एक जैसी होना चाहिए, तो इसके लिए आपको आधार अपडेट करा लेना चाहिए। तो ये अपील ये है कि आप अपना आधार जो है पंजीयन कराएं और अपडेट करा के रखें, क्योंकि तो इसकी आवश्यकता समय समय पर चलती रहती है। तो ये पूरी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित हम आपको दे चुके हैं। देख रही आपकी जनता न्यूज़ मेरे साथ, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इस भ्रष्टाचार से हम बच सकें और शासन की निर्धारित फीस 50 रुपये ही आपको देना है।